देखूँ तो बहुत साल पुराने जब सीता माता को वनवास हुआ था राम जी ने, तो यहाँ एक नए राजगुरु की और स्नान ध्यान किया था इस कुंड में। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे सीताकुंड, जहाँ यहाँ बिजोलिया में ही नाइट रुका हुआ था। बिजोलिया से करीब ये लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिजोलिया से शक्करगढ़ शाह रोड जा रहा है, उसी रोड पर स्थित है, तो वो पूरा हम आज इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस भी है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सीताकुंड के यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अंदर जाके हम देखते हैं किस प्रकार से पूरा मंदिर बना हुआ है। तो चलिए फिर अंदर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं, ये थोड़ा यहाँ पे जो सीताकुंड मंदिर बना हुआ है उसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्ते। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? बाबूलाल जी शर्मा। बाबूलाल जी शर्मा, मंदिर के बारे में कुछ आप जानकारी दीजिए, कुंड यहाँ क्यों बना है, कैसे क्या है? सर, ये कुंड तो बहुत साल पुराना, जब सीता माता को वनवास हुआ था राम जी ने, तो यहाँ एक नए राजगुरु की और स्नान ध्यान किया था इस कुंड में। अच्छा। सीता मैया ने, और वहाँ से भोलेनाथ की स्थापना हुई, इसलिए यहाँ इसका नाम सीताकुंड महादेव रखा गया। कितना पुराना हो गया था बस? ये अपने द्वापर का शायद त्रेता युग की बात है। तो अच्छा। उस टाइम जब उस सीता का फिर वनवास हुआ था, तो उस टाइम यहाँ सीता माता रुकी थी। अच्छा। या एक रात रुकने के बाद वापस यहाँ से वाल्मीकि जी का आश्रम निकल गया। अच्छा। और शाम पास में लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ। अच्छा। सन्मोक्षिता की भोलेनाथ की स्थापना है। ये देखिए दोस्तों, सामने जो नजर आ रहा है मंदिर और जो कुंड बना हुआ है, काफी बड़ा कुंड है। चलिए वहां चल के देखते हैं किस प्रकार से पूरा कुंड बना हुआ है और कैसा है दिखने में वो। यहां से तो काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये कुंड है, सीता कुंड कहते हैं इस कुंड को। काफी बड़ा और पानी भी है अभी पूरा। ये मतलब एकदम एकांत स्थान पे बना हुआ है। चलिए अंदर मंदिर के अंदर भी चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं।
अंदर भोलेनाथ की स्थापना कर रखी है फ्रेंड्स। देखिए अंदर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है, पूजा भी कर रखी है काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छे भी मंदिर, अच्छा मंदिर बना हुआ पूरा ये। और सामने इनके जो वाहन है नंदी वो बना रखे हैं, काफ़ी पुराना मंदिर भी लग रहा है और देख सकते हैं आप जैसे। इधर भी गणपति जी की स्थापना कर रखी है, फ्रेंड्स जैसा पुजारी जी बता रहे थे कि ये जो पीछे दिख रहे हो आप, इस कुंड के अंदर सीता मैया जो थी, राम, भगवान राम की जो पत्नी, उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था, क्योंकि जब वो 14 वर्ष के वनवास पे आए थे तब यहाँ पर भी एक रात रुके थे जैसा पंडित जी बता रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था इस कुंड के अंदर, तो इसीलिए इसको सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। और काफ़ी बड़ा मंदिर भी बना हुआ है ये, जैसे आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जैसे बंदर जो होते हैं वो भी काफ़ी हैं यहाँ पर, मंकीज़, तो क्योंकि वो मतलब हनुमान जी जो थे वो अब सीता को अपनी माता के रूप में मानते थे, तो यहाँ पे बंदर भी काफ़ी हैं, हनुमान जी उनके भक्त थे, राम भक्त थे वो बिल्कुल। और ये जो कुंड है ये देखिए आप, काफ़ी बड़ा कुंड बना हुआ है, और यहाँ पे ठहरने के लिए भी व्यवस्था है, भोजन के लिए भी व्यवस्था है कि आप कोई भी भोजन प्रसाद बनाना चाहो तो यहाँ पे बना सकते हैं आसानी से, और सारी सुविधाएँ भी अवेलेबल है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा मंदिर भी है, पूरा बड़ा मंदिर है। पीछे की तरफ और क्या है वो भी देख लेते हैं। पीछे कोई भी जैसे भोजन बनाना चाहे, यहाँ पर कोई भी प्रसाद बनाना चाहे तो पीछे उसकी व्यवस्था कर रखी है, जैसे चूल्हा बना रखा है यहाँ पे, यहाँ पे भोजन भी बना सकते हैं। पीछे तो पूरा जंगल की तरह लग रहा है दोस्तों, ये पेड़ पौधे काफी है इधर। फ्रेंड्स ये पूरा मंदिर देखा हमने, सीताकुंड मंदिर, काफी अच्छा और बड़ा मंदिर बना हुआ है। फ्रेंड्स ये सीताकुंड मंदिर आपको कैसा लगा ये कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि न्यू टूरिस्ट पेस और न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए टूरिस्ट प्लेस पर, एक नई जगह के साथ दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।